पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या के विरोध में सर्वदलीय विकास समिति ने निकाला आक्रोश मार्च। बखरी की पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या के विरोध में सर्वदलीय विकास समिति भगवानपुर के द्वारा रविवार को आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च प्रखंड मुख्यालय से भगवानपुर बाजार होते हुए पेट्रोल पंप तक गया। इस आक्रोश मार्च के माध्यम से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर सुदेश्वर ने कहा कि सुभाष कुमार की जो हत्या हुई है इसका घोर निंदा करता हूँ। जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। बढ़ रहे अपराध को नियंत्रण किया जाए। अपराध को नियंत्रण करने के लिए थाने में दर्ज गुंडा पंजी के आधार पर कार्रवाई हो। वही कहना चाहेंगे सर्वदलीय भगवानपुर समिति के बैनर तले हम मांग करते हैं जो बखरी में जो पत्रकार को घटना हुआ है उसमें सरकार 10 लाख रुपया एवं उनके परिवार में एक नौकरी मुहैया करें, यही हमें मांग है। क्या नाम है आपका? अनिल पासवान, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष। आज हम लोग सर्वदलीय विकास समिति के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाले हैं भगवानपुर में, और इसके द्वारा हम सरकार से मांग करते हैं, खास करके बेगूसराय के प्रशासन से, कि जो सुभाष पत्रकार थे बखरी की, उनकी जो हत्या हुई है उसके हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, और आए दिन खास करके बेगूसराय में आपराधिक बर्दाश्त बढ़ गई है। पत्रकार से लेकर अब पब्लिक तक रोज आपराधिक घटनाएं हो रही है, इस पर स्थानीय प्रशासन रोक लगावे। और मैं पुनः मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सुभाष के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? रंधीर कुमार वर्मा, प्रखंड राजद अध्यक्ष भगवान। पत्रकार जो होते हैं तो शासन और सत्ता में चौथे स्तंभ होते हैं, इनकी सुरक्षा की आवश्यक है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं पत्रकार के साथ विभिन्न जगह पर घटनाएं हो रही हैं, यह बहुत अन्यायपूर्ण है। वो जैसे हम लोग पेपर में पढ़े हैं, वो बालू माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, वो पंचायत में कुछ घटना हुआ था उसका आवाज़ उठा रहे थे, तो इसमें वहाँ आज तक करके शादी से खींच के उनकी हत्या कर दी गई। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं उनके हत्यारे को तत्क्षण गिरफ्तार किया जाए, और वह अपने घर में अकेला पुत्र थे, उनके माता पिता के पोषण के लिए सरकार मुआवजा दे, जिससे उनके परिवार में बुढ़ापा में उनके परिवार शांतिपूर्वक जी सके। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष भगवानपुर, सर प्रखंड विकास समिति उपाध्यक्ष। हम क्या कहना चाहेंगे? हम आक्रोश मार्च के माध्यम से खास करके बेगूसराय जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि लगातार बेगूसराय जिला में बीते दिन आपराधिक घटना हो रही है, और साथ साथ इस आपराधिक घटना के शिकार यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको हम पत्रकार के नाम से जानते हैं, उस पत्रकार पर भी जानलेवा हमला हुआ और उसकी हत्या हो गई, जो इस समाज के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है, जो एक सजग भारतीय और सजग एक नेता के रूप में जो पत्रकार है, जो समाज की बात को प्रशासन और प्रशासन की बात को समाज के तक लाने का काम करता है, आज उस प्रसाद उस कलम पर, पत्रकार के कलम पर बंदूक का पहरा हो गया है, चाहे वो प्रशासन का बंदूक हो या अपराधी का बंदूक हो। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, साथ ही हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पत्रकार के परिजन को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, और तमाम ज़िले के पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी किया जाए, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है, नहीं तो समाज जो है सो एकदम रसातल की ओर जा रहा है। इसलिए हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं सरकार से जो अपराध पर रोक लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार सुभाष कुमार की जो हत्या हुई है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं, और निंदा के माध्यम से
मैं जिला अधिकारी से मांग करता हूं कि उसका उचित मुआवजा मिले, उसके आश्रितों जो उन पर आश्रित थे उनका भरण पोषण हो सके। दूसरी बात, जो पूरे ज़िले में जो बढ़ रही है अपराध, इस अपराध को नियंत्रण किया जाए और नियंत्रण करने का सारा सुविधा सभी थाने में उपलब्ध है। जो गुंडा पंजी बना हुआ है थाना पुलिस, वो जानते हैं कि पंचायत में पूरे प्रखंड में उनके थाना क्षेत्र में कितने गुंडे हैं, कितने क्रिमिनल हैं, उनका सूची उनके पास है। उस सूची के आधार पर जब उस पर कार्रवाई करना शुरू करेंगे तो ये बढ़ रही जो अपराध है यह अपराध हट जाएगा, वो डर से अपने आप में शांत होंगे। इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि गुंडा पंजी को खोलने की ज़रूरत है, आप गुंडा पंजी को उठाइए और उसमें वैसे गुंडे को पकड़िए और उसको सलाखे में बंद कीजिए, जिससे कि यह आम अमन चैन से जी सकता है, अपराध रुक सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड प्रखंड अध्यक्ष, सह सर्वदलीय प्रखंड विकास समिति अध्यक्ष। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। Nalanda Vidya Mandir, one of the best schools, this school is affiliated from CBSE. It has a huge transport facilities for students, including school buses and school vans, equipped with a large playground for children, music classes, computer lab, science lab, library. It has a peaceful campus in the outskirts of the city along with a well-maintained infrastructure. A good team of faculty members, reception, culture program and sports are included to enhance the efficiency of the students in the campus. बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन, पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी